नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम को 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार देश भर की राजनीतिक दलों द्वारा भी लगाई जा रही है, खुद के ईमानदार होने की। लेकिन किसी ने शायद ठीक ही कहा है, राजनीति भी चाय का प्याला, जिसने पिया वो कर बैठा घोटाला। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू करने से हुआ। आज से 10 साल पहले दिल्ली की गलियों में नारा लगता था, एक निकलो आज मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, आपको भी याद होगा। लेकिन आज जब उन्हीं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार ने जो लड़ाई लड़ी, मुहिम चलाई, उसी का नतीजा है कि पहले 2014 में जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया और फिर 2019 में पीएम मोदी को ऐतिहासिक जीत का हकदार बना दिया। लोग मोदी सरकार को इसी वजह से पसंद करते हैं क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है, गलत व्यक्तियों को सजा दिलाती है, ना कि उसे बचाती है। मगर लोगों को अब बीजेपी की फितरत में बदलाव दिख रहा है। दरअसल बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बहुत सारी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। इन नेताओं में वो भी शामिल हैं जिन्हें कल तक बीजेपी ही भ्रष्ट कहती थी। उस पर तो मुकदमे भी चल रहे थे, यहां तक कि ईडी और सीबीआई तक का शिकंजा कस रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हमाम में सब नंगे हैं। और उसी तरह कई बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाई और कल तक दागी कहे जाने वाले नेता आज पवित्र हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी की एक सी ही कहानी नजर आ रही है। जरा आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विपक्ष बीजेपी सरकार पर क्या आरोप लगा रहा है। विपक्ष बड़े आरोप लगा रहे हैं, उसमें है कि विपक्ष पार्टियों का आरोप है कि विपक्ष पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेताओं के यहां कोई कार्रवाई नहीं की है। कई नेताओं पर पहले से केस दर्ज है जो फाइलों में खोया हुआ है। और दूसरा बड़ा आरोप एक और है, विपक्ष का आरोप यह है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल हुए उन पर कार्रवाई रोक दी गई। बीजेपी में आने वाले नेताओं का भ्रष्टाचार जांच एजेंसी को नहीं दिखता है। और तीसरा बड़ा आरोप जो विपक्ष लगाता है वो यह है कि विपक्ष का आरोप यह भी है कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां पर ईडी सीबीआई और आईटी को एक्टिव किया जाता है, फिर कई नेताओं को डराया जाता है, डर से जो बीजेपी में जाने को तैयार है जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बड़े आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। लेकिन अब आपको उन चेहरों को भी दिखाने जा रहे हैं जिनको लेकर विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद एजेंसियों की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। जरा वो चेहरे भी आपको दिखाते हैं कि वो आखिर कौन कौन से चेहरे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर रहता है। पहला नाम आता है हेमंत बिस्व शर्मा का, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्व शर्मा पर शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि 20 लाख रुपए हर महीने शर्मा से लिए जाते थे, शर्मा की तरफ से। और अंतिम बार सीबीआई ने इनसे 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंत ने अगस्त 2015 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का अब आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंत की फाइल ही बंद कर दी। और दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो नाम है शुभेंदु अधिकारी का, पश्चिम बंगाल। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से का फेवर किया था और बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा था शुभेंदु पर, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए तो सारे मामले में उन्हें क्लीन चिट मिलने लगा। ये बड़े आरोप है। और तीसरा जो नाम बड़ा निकल कर आता है, जितेंद्र तिवारी, पश्चिम बंगाल के भी हैं। जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का नुकसान होगा। सुप्रियो ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा था कि कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में आने की जुगत लगा रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हालांकि हाईकमान ने तिवारी के एंट्री को हरी झंडी दे दी थी। और चौथा नाम महाराष्ट्र आता है, नारायण राणे। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया।
राणे अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। साल 2012 में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ही सीबीआई को 1300 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था, और उसके बाद साल 2017 में ईडी को पत्र लिखकर राणे की संपत्ति जांच करने की मांग की गई थी। सोमैया ने कहा था कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग कर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं, और साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। अब पांचवा नाम आपको बताएं, बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ गई थी येदियुरप्पा को, और 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगा था, और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। 2013 के चुनाव के बाद येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी हुई और 16 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में आने के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ एजेंसी ने जांच ठीक ढंग से नहीं की। छठा नाम, प्रवीण दारेकर, महाराष्ट्र। प्रवीण दारेकर पर 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को केस की जांच सौंपी गई। 2016 में दारेकर बीजेपी में शामिल हो गए और विधान परिषद पहुंच गए। साल 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें क्लीन चिट दी। और सातवां नाम, हार्दिक पटेल। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर बीजेपी सरकार के दौरान राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। हार्दिक को इसकी वजह से तड़ी पार भी रहना पड़ा। पटेल गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस का आरोप है कि राजद्रोह केस में बचने के लिए हार्दिक ने एक कदम उठाया। हार्दिक अभी बीजेपी के वीरम गाम से विधायक भी है। विपक्ष का कहना है कि इन नामों के अलावा भी सोवन चटर्जी, यामिनी जाधव, भावना गवली और जैसे तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिन पर जांच एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सभी बीजेपी या उनके सहयोगी पार्टी में ये बड़े आरोप लगाते हैं। लेकिन अब उन दो नेताओं की कहानी भी आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं जिन पर विपक्ष में रहने के दौरान बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, और दोनों नेता पहले बीजेपी के साथ गए और उन आरोपियों से पीछा छुड़वाया, फिर बीजेपी से बाहर निकल आए। पहला नाम आता है अजीत पवार का। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। अजीत पवार को लेकर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो पवार को जेल में चक्की पीसने की बात कह रहे थे। आपको भी याद होगा, चक्की पीसिंग। और 2019 में एक राजनीतिक उठापटक में अजीत बीजेपी के साथ चले गए। पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर गठबंधन कर लिया और खुद डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद घोटाले से जुड़ी सारी फाइलों को बंद कर देने की बात सामने आ गई, लेकिन बाद में अजीत पवार बीजेपी छोड़कर खुद की पार्टी में लौट आए। हालांकि उसके बाद 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र में एक नाटकीय राजनीति घटनाक्रम के तहत अजीत पवार सहित एनसीपी के कई विधायक बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार में शामिल हो गए। अब दूसरा नाम सुनिए, मुकुल रॉय, पश्चिम बंगाल। यह भी चेहरा आपको याद होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय पर 2015 में शारदा घोटाले में पैसा लेकर चिटफंड कंपनी फेवर देने का आरोप लगा था। रॉय ने 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2019 में रॉय ने दावा किया कि सीबीआई ने इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दिया है और गवाह के तौर पर सिर्फ पूछताछ की। 2021 में मुकुल रॉय बीजेपी हाईकमान से खटपट होने के बाद पार्टी छोड़कर फिर वापस तृणमूल में शामिल हो गए। तो ये वो दो नेता थे जिन्होंने बीजेपी में जाकर के अपना फायदा भी देखा। अब हमने आपको नेताओं की लंबी फेहरिस्त दिखाई जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार होने का टैग लगा रखा था, लेकिन जब वो बीजेपी या उसके सहयोगी दलों में शामिल हुए तब उन पर कार्रवाई रोक दी गई। अब एक नजर डालते हैं आम आदमी पार्टी के उन मंत्रियों पर जो जेल जा चुके हैं, और उनमें पहला नाम जो आता है वो मनीष सिसोदिया का आता है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खासदार और दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। मनीष सिसोदिया का नाम इस सूची में टॉप पर है। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर हुए घोटाले के आरोप में सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, और इसके बाद अब गिरफ्तारी भी हो गई थी उनकी। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने उनके घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। दूसरा नाम, सत्येंद्र जैन। दिल्ली सरकार में जेल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन लंबे समय तक सीबीआई और ईडी के निशाने पर रहे। ईडी जैन की करोड़ों रुपए की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है। कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े अवैध लेन देन के मामले में वे लंबे समय तक जेल में रहे। इसके अलावा उन पर अवैध लेन देन के कुछ अन्य आरोप भी हैं। तीसरा नाम, सोमनाथ भारती।
केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे हैं सोमनाथ भारती, और उनको अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा एम्स हॉस्पिटल की दीवार तोड़ने की कोशिश करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने और हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों पर पथराव करने के आरोप में भी वो जेल की सजा काट चुके हैं। कोर्ट ने उन्हें मार्च 2021 में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। चौथा नाम जितेंद्र तोमर। केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री मामले में जेल जाना पड़ा था। एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि उनकी वकालत की डिग्री फर्जी है और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने जितेंद्र सिंह तोमर के चुनाव को रद्द कर दिया था। और पांचवा नाम संजय सिंह, कल गिरफ्तारी हुई 4 अक्टूबर को। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है, और इसको लेकर ही ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पर छापा मारा और फिर गिरफ्तार कर लिया। इन मंत्रियों के अलावा दिल्ली, पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी के ऐसे कई नेता और विधायक हैं जो जेल जा चुके हैं। इसमें दिल्ली के विधायक अमानतुल्ला खान और ताहिर खान तमाम सारे हैं। पंजाब विधायक अमित रतन का भी हम जिक्र कर लेते हैं, गुजरात का हम जिक्र कर लेते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का भी हम जिक्र कर लेते हैं। तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो जेल जा चुके हैं। तो हमने इसलिए ये सारे आंकड़े, ये सारे चेहरे दिखाए ताकि एक भ्रम टूट जाए जो ये दावा करती हैं पार्टियां कि हम पाक साफ हैं, हमारे नेता पाक साफ हैं। किस मुंह से और कैसे कहने के हकदार हैं? आज इसी मुद्दे पर जरा चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर के जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, जो तकरार छिड़ी हुई है, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। पवन गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अजीत राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितेश चौरसिया जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नितेश चौरसिया जी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर आपकी पार्टी बने, समूल नाश कर दिया जाएगा, निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ये सब नारे दिए गए। दिल्ली की जनता ने समझा कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जो कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करेगा और आम आदमी असल में आम आदमी होगा। लेकिन इतनी लंबी फेहरिस्त, साजिशन फंसाया जाएगा तो एक आदमी को, दो आदमी को, तीन आदमी को, एक के बाद बैक टू बैक नाम आ रहे हैं। अदालतों पर तो आपका विश्वास है। अगर पार्टी साजिश कर रही है, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ठीक है, अदालतों पर तो आप विश्वास करते हैं, फिर क्यों नहीं उन्हें क्लीन चिट मिल रही है वहां पर? नितेश जी अनम्यूट करिए, शायद आप म्यूट कर रखे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकले हुए पार्टी है, और मैं गर्व करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं। फिर मैं एक चीज और बताता हूं कि जिस भी एलिगेशन की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने मंत्री को अपने ही कार्यकाल में जेल में डालने का काम किया भ्रष्टाचार के आरोप में। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी मौका मिला, इस तरह की शिकायत आई, हमने उस पर कार्रवाई करी। आज मैं आपसे, सभी पैनलिस्टों से एक बात क्लियर करना चाहूंगा, आप दिल्ली शराब घोटाले में कितने रुपए का घोटाला हुआ, इस बात का कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे ला दीजिए, और कितने रुपए अभी तक हमारे नेताओं के यहां से प्राप्त हुए, आप इस दो चीज का विवरण में। और आज संजय सिंह जी ने अपने अपने कोर्ट में जज आपके सामने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको लाइन पढ़ सुना। उन्होंने कहा कि जज साहब, अगर इनके लगाए हुए एलिगेशन में एक भी प्रमाण मिलता है तो मुझे कानून से ज्यादा सजा दी जाए। मैं कहता हूं, अगर एक व्यक्ति को आपको इस देश में ऐसा मिलता हो जो जस्ट आपके सामने इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा हो, तो आप उसको पेश कर, ये हमारी सच्चाई है, ये हमारा भरोसा है। हमें पता है कि सच्चाई के रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन हां, सत्य कभी पलटता नहीं है, बदलता। रास्ते जरूर कठिन है, हमारे इस ईमानदारी के रास्ते जरूर कठिन है, लेकिन याद रखिएगा, समय बदलेगा, लड़ाई जारी रहेगी, और ई दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ सामने। नितेश जी, अच्छी बात, फिर बताता हूं। मैं फिर एक लाइन और कहता हूं, भ्रष्टाचार से आम आदमी पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो। और हाँ,
अडानी के भ्रष्टाचार से भी हमें हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मेरे मालिक के खिलाफ ना बोलो। फिर ये सदन में बोलते थे, सड़क पे बोलते थे, इसलिए आज उन्हें उठा के जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जिसकी नरेंद्र मोदी जी चौकीदारी करते हैं। जिस अडानी के भ्रष्टाचार पर सीएजी ने बोला, उस पर आज तक एक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं ठीक है, अगर हमने मान लिया संजय सिंह की गिरफ्तारी कल हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी कल हुई है, आज उनको पेश किया गया, क्या मामला आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन और जो आपके नेता हैं, अन्य आपके नेता जो हैं, उनको लेकर के आपने जाहिर तौर पर अदालत के सामने आपने एविडेंस रखे होंगे, कहां पर चूक हो रही है? आप तो कहते हैं अदालत में आपको विश्वास है, तो अगर ऐसा कुछ है, आपके पास पर्याप्त एविडेंस है निर्दोष होने के, तो क्यों नहीं आपको वहां से राहत मिल रही? मनीष सिसोदिया जी की बेल की सुनवाई चल रही है। मैं उसके कुछ पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। जज साहब ने जब उनसे पूछा कि ये बताइए कि आप 7.5 महीने में ऐसा क्या मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया जी पे पाए हैं जिसके वजह से इनको अभी तक रखा जाए, वो कह रहे अभी ट्रायल मिला नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। ईडी के पेंट दो डेट पे ये डेट लेते हैं, उनके एडवोकेट ने अपीयर होते, ये स्थिति है। ये टारगेट क्या है? बदनाम करने की कोशिश है। आप क्या इसमें सच्चाई समझते हैं? सच्चाई होती तो ये एक मिनट नहीं लगता, ये अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि कितने रुपए मनीष सिसोदिया जी के पास से मिले। ठीक, अरे भाई मनी लॉन्ड्रिंग में मनी का मूवमेंट ही नहीं है। ठीक है पवन गोयल जी, आरोप सारे नेता वही लगा रहे हैं विपक्ष के कि बदले की भावना के तहत, राजनीति के तहत उनको फंसाया जा रहा है, और ईडी, आईटी, सीबीआई जो भी हैं, ये सारी एजेंसियां उनको परेशान कर रही हैं। एक सबसे बड़ा दिलचस्प यहां पर मोड ये आ रहा है, संजय सिंह मामले में एक चेक का जिक्र किया जा रहा है कि जिस चेक से पैसा दिया गया, चेक तो मुझे लगता है कि अगर आप भी कहीं लगाएंगे हम आपको दें, आप मुझे कहीं दें चेक संख्या, अगर मुझे मालूम होती है कि हमने कौन सी चेक संख्या किसको दिया है, बैंक में तुरंत हम पता कर सकते हैं कि ये कहां पर किसके अकाउंट में गई है, किसने पैसा निकाला है, वो अभी कोई प्रूफ, ऐसे कोई सबूत सामने आ नहीं रहे हैं। और ये बताया गया है अरोड़ा की तरफ से कि चेक से पैसा दिया गया है। जी, अगर ये इतने ईमानदार और पाक साफ हैं तो अगली तारीख पे इनको तो जमानत मिल जानी चाहिए, बाइज्जत बरी हो जानी चाहिए जिस तरीके से आप प्रश्न उठा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी ने उनको पकड़ लिया। जी हाँ बोलिए। तो रंगे हाथों गिरफ्तार किया, 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया, आपकी निगम पार्षद गीता रावत को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये तो नए नए प्रवक्ता बैठे, इनको नाम भी नहीं बताऊंगे इन दिनों के। हरियाणा की एक निशा सिंह थी, उन्होंने पुलिस वाले कर्मचारियों पे और पुलिस वाले अधिकारियों पे और मजिस्ट्रेट पे ही हमला कर दिया। देखिए कमाल की बात। और ऐसा नहीं है, करमवीर सिंह इनके आपके विधायक, वो 3 साल की जेल में गए। संदीप कुमार चक स्कैंडल में गए, ताहिर इरफान दिल्ली के मास्टरमाइंड हुए, आप एमएलए अमतुल्ला खान, अरे वो मैंने दिखा दिया साहब, वो मैंने दिखा दिया पवन जी, दिखा दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोप आपकी पार्टी में जो शामिल है उनको भी, आपने देखी नहीं क्या रिपोर्ट? मैंने वो आपको दिखा दिया, कहीं तो फिर से नाम दोहरा दूं। कोई बात नहीं, दोनों लोगों की पार्टियों में लंबी फेहरिस्त है। हाँ मैं अमतुल्ला खान को हटा दूं, हाँ, तो बाकी नाम आपने नहीं दिखाए आपकी, हाँ, आपकी फेयर लिस्ट में, ठीक, हाँ, है। मैंने जो नाम अमतुल्ला खान को बताए ना उसके, वो आप, मैं बड़े ध्यान से आपको सुन रहा था और आपने 7 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम बताए जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आने के बाद ईमानदार हो गए, हाँ, लेकिन जब तक ये भारतीय जनता पार्टी से पहले एनसीपी में थे, कांग्रेस में थे या टीएमसी में थे, तब ये पार्टी वाले, आप चाहे वो कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो चाहे शिवसेना हो चाहे कोई भी पार्टी हो, तब तक उन नेताओं को कट्टर ईमानदार कहती थी, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए वो कट्टर बेईमान हो गए। दूसरी और सबसे बड़ी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी से यशवंत सिन्हा जाए, नवजोत सिंह सिद्धू जाए या शत्रुघ्न सिन्हा जाए तो वो कट्टर ईमानदार हो जाते हैं। ये तो फार्मूला मतलब भारतीय जनता पार्टी पे ही है। अगर मुझे अच्छा लगता आप सोनिया गांधी जी का भी नाम दिखाते, एक सेकंड, राहुल गांधी जी का भी दिखाते, रॉबर्ट वाड्रा का भी दिखाते, या सारे भ्रष्टाचारी वाला दिखाते, लालू प्रसाद यादव जी का दिखाते, नहीं वो बहुत लंबी फेहरिस्त हो जाएगी, घंटे नहीं दिन भर हो जाएगा पवन जी, दिन बीत जाएगा आपके नेताओं के और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिस्ट दिखाने लगेंगे ना, दिन बीत जाएगा।
दिन बीत जाएगा मालूम है आपको, संसद में कितने लोग भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, कितने लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे याद है, उत्तर प्रदेश के एक जनसभा में उन्होंने कहा था, उन्होंने खुद कहा था कि पीएम बनने के बाद देश की संसद में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बैठने पाएगा, यह मेरा प्रण है। 2014 के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये फार्मूला सब पूरे देश का, कितनों की सफाई हुई जरा बताइए मुझे, आप कह रहा हूं नहीं, कितनों की सफाई हुई, आपके पास एक सेकंड रुकिए नीतीश जी, मुझमें आपसे ज्यादा क्षमता है, कौन जी बोलिए, कौन जी बोलिए, कौन जी बोलिए, सुन रहा था आपको, मैं ये कह रहा था अभी आपने कहा कि देखिए कैसे मोदी जी संसद में आप उनका भाषण याद दिला रहे थे, और अभी आप चैनल पे बैठ के ही कह रहे हो कि बदले की भावना से राजनीति हो रही है, क्या शराब आबकारी नीति में जो गए हैं वो सारे ईमानदार हैं क्या, और अगर ईमानदार हैं, मैंने मैं कहा, अरे भैया पवन गोयल जी, मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचारियों को देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सुनिए तो मैंने कब कहा, उसके बाद काउंटर कर देना, मैं कह रहा हूँ विपक्षी कह रहे हैं आप ये बात, मैं ऐसे कह देता हूँ बात, आपने कहा विपक्षी ऐसे कह रहे हैं, लेकिन क्या सीबीआई ईडी के अलावा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी क्या भारतीय जनता पार्टी का तोता है, अगर सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश में आम आदमी पार्टी के साथ तो सुप्रीम कोर्ट सवाल राम मंदिर के खिलाफ अगर बोले तो सवाल मैंने नीतीश जी से लिया, वो सवाल मैंने नीतीश जी से लिया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, 8 साल में 2014 से 2021 में 121 नेताओं पर एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, जिनमें 115 नेता विपक्ष के, यानी 95% नेता विपक्ष के, सारे जो बीजेपी की जहां पर सरकारें हैं, जो बीजेपी के नेता ईमानदार हैं, बिल्कुल सही है, मैं इसका उत्तर दूंगा आपको, आप एक मिनट दीजिएगा प्लीज, उसके बाद से आप कितनी देर मुझसे वेट करा दीजिएगा, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई सीबीआई और ईडी नहीं करती, मैं ये कहना चाहता हूं अगर सीबीआई और ईडी भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती, 22-28 गठबंधन की सरकारों का, इंडिया गठबंधन का 28, 22 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, 22-22 मुख्यमंत्री मुंह में फेविकोल चिपका के बैठे हुए, सीबीआई ईडी में कितनी कंप्लेंट करी, मान लिया सीबीआई ईडी में कंप्लेंट नहीं करी, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो आपने करी, आपकी सरकार पंजाब में है ना, पंजाब सरकार के अंदर आपकी तो केंद्र शासित सरकार नहीं है, दिल्ली में तो मैं मान जाऊंगा केंद्र शासित है, लेकिन 22 में से 18 राज्य ऐसे तो केंद्र शासित नहीं है, आपने तेजेंद्र बग्गा पे और कुमार विश्वास पे कार्रवाई की थी, पंजाब के भ्रष्ट नेताओं पे क्यों नहीं कार्रवाई करते आप, मैं 22 के 22 विपक्ष पर टाल दिया, मैंने ये सवाल आपसे क्यों नहीं डाला, वो ये तो फिर आप नाम बताइए, तो आप चले जाइए योगेश पांडे जी, आप उन नेताओं के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आप चले गए सीबीआई टीम में, आप चले जाइए हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में, आप प्रूफ लाइए ना कि भ्रष्टाचारी है, आपके पास प्रूफ भी नहीं है, कोर्ट में भी नहीं जाना चाहते, सीबीआईडी में भी नहीं जाना चाहते, विपक्षी मुख्यमंत्री भी ना जाए और भारतीय जनता पार्टी करते हैं, ये कैसी बात है, भाजपा पे कार्रवाई के लिए एक मिनट लेने आ रहे हैं, आपके आपको जवाब दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हो, जब 370 राम मंदिर सीए और देश की वैक्सीन के खिलाफ जा सकते हो तो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ भी, ठीक है वही एक सहारा बन रहा है, ठीक है वही एक सहारा बन रहा है, अजीत राय जी बात को समझने की, ठीक है रुक जाइए, हाँ समझ रहे हैं, एक एक आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, अजीत राय जी के पास जाएंगे जी, बड़ी तालमेल दिख रही है अजीत जी आज, और अभी तक सब भ्रष्टाचारी नजर आ रहे थे, और आप ही की पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, आप ही के पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला गया कि भ्रष्टाचारी में संलिप्त भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है, और आप जब आज जब कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आज किसी एक पार्टी या किसी एक नेता की बात नहीं है, दरअसल सच्चाई यह है कि जब से इंडिया गठबंधन के सारे दल एकजुट और मजबूत हुए हैं तब से मोदी जी और भाजपा ने अपने सारे फ्रंटल एजेंसियों को हद से ज्यादा मजबूर कर दिया है, उनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन के सारे दल मजबूत होते जा रहे हैं वो अपनी फ्रंटल एजेंसियों को उतना ही मजबूर करते चले जा रहे हैं, और उन्होंने टारगेट दे रखा है, लोकतंत्र के खरीदार ने टारगेट दे रखा है, इन जांच एजेंसियों की कोई गलती नहीं है, उन्हें तो टारगेट दे रखा है, विरोधियों के पीछे जाओ, विपक्षियों के पीछे जाओ, जो आवाज उठाते हैं सरकार से सवाल पूछते हैं उन्हें डराओ धमकाओ, और जो वाकई कुछ भ्रष्टाचारी हो उन्हें पकड़कर तुरंत बीजेपी में ले आओ,
और ले आकर के किसी को असम का मुख्यमंत्री बना दो, किसी को महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बना दो, किसी को पश्चिम बंगाल में अपना नेता बना दो, और कोई कहीं ज्यादा काबिल हो, राज्यों में सेट ना हो, उसे उठा के केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना दो। तो ये सच्चाई है योगेश जी। और मैं तो कहता हूँ कि जो आपने रिपोर्ट दिखाई ना, अगर आपकी ये रिपोर्ट क्लिप करके और देश के लोगों तक पहुंच जाए, जिस जो भाजपा के नेताओं की आपने श्रृंखला दिखाई, मुझे तो डर है कि कहीं अगली ईडी और सीबीआई जो है जेके न्यूज 24 में जो है मोदी जी ना भेज दें, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा यहाँ सब बिल्कुल ईमानदारी से और सब पेपर वर्क होता है, काम होता है। खैर मैं तो भाजपा के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ योगेश जी आपके माध्यम से, लेकिन अजीत जी मुझे पहले अजीत जी सुनिए अजीत जी, जब आपकी सरकार थी तब भी विपक्षियों पर ये डंडा चलता था, हंटर चलता था, तब आप कहते थे कि कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है, तब भी तो कुछ ऐसे ही सिनेरियो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन स्थिति जो ऐसी ही थी। योगेश जी, देश ने ऐसा कभी देखा था क्या कि प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले भरी जनसभा में देश की जनता के सामने किसी पार्टी के किसी अमुक नेता पर आरोप लगाए और कुछ दिन बाद उसी पार्टी को अपने गठबंधन में लेके अपने पार्टी के सीनियर नेताओं को नीचे बिठा करके उसको उठा करके उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय दे दें, ऐसा कभी हुआ था क्या? आपने सुना था? मैंने तो कभी नहीं देखा था। तो ये इस समय जो हो रही है ना स्थिति, ये मोदी सरकार की जो जाते हुए जो वक्त बचे हैं उसकी ये बौखलाहट का नतीजा है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, आज मैं कहता हूँ संजय सिंह आज अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो राज्यसभा के सांसद भी बने रहेंगे, और अगर अपने आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को लेते आए ना तो वो सिंधिया जी की तरह कैबिनेट में मंत्री भी बना दिए जाएंगे। मैं तो भाजपा के मित्रों से कहता हूँ, भाई साहब आप लोग भी कुछ बोलो, क्योंकि देश भर के सारे भ्रष्टाचारी ढूंढ करके मोदी जी आपके ही सर पे बिठाने वाले हैं, और देश के लोगों को तो सब दिख रहा है, देश के लोगों को सब कुछ दिख रहा है, जितने देश में भ्रष्टाचारी हैं सबको चुन चुन करके मोदी जी अपनी पार्टी में ले आएंगे, अपने बगल में बिठाएंगे, और जो वाकई ईमानदार और सच्चे लोग होंगे वो पूरी ताकत से इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ते दिखेंगे, मुकदमे झेलते हुए दिखेंगे। ये इस अमित शाह और मोदी जी की जो पार्टी है भाजपा, उसकी ये सच्चाई है देश के सामने। चलिए, आपने कहा कि जनता सब देख रही है, जवाब देगी। आने वाले समय में 5 राज्यों में भी चुनाव है और उसके बाद देश का चुनाव है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और जनता देख रही है, जवाब देगी। अजय तिवारी जी, सभी राजनीतिक मेहमानों को आपने सुना और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी होगी। अब सभी राजनीतिक दल, इसमें तो हमने केवल दो ही राजनीतिक, क्योंकि इस समय टक्कर में दो ही हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक पर आरोप लग रहा है कि कार्रवाई करवाई जा रही है और दूसरे पर कार्रवाई हो रही है, तो वो ये आरोप लगा रहा है और बीजेपी कह रही है कि भाई ये निष्पक्ष जांच हो रही है, एजेंसियां स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या इस लीक से हट करके कोई पार्टी खड़ी नजर आ रही है क्या? सभी कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, कोई दाग नहीं लगा, लेकिन क्या आपको ऐसी तस्वीर नजर आ रही है क्या? भ्रष्टाचार का को खत्म करने के लिए जिन पार्टियों का उदय हुआ, जिन पार्टियों पर लोगों ने विश्वास किया कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश की जनता का पैसा जो है वो सही दिशा में लगेगा, क्या ऐसी तस्वीर देश में अब बनती नजर आ रही है क्या आपको? योगेश जी, लोकतंत्र की व्यवस्था और राजनीतिक दलों की अपनी शतरंज की चाल, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के शतरंज की चाल ही है कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के माध्यम से कांग्रेस के खिलाफ आकर आज 2 राज्यों में अपने चीफ मिनिस्टर बना के बैठे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार के खत्म करने के नाम पर अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के थ्रू इस देश में राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरे हैं। लेकिन आज समस्या है, कांग्रेस जब अपने सत्ता में थी उस पर भी घोटालों का आरोप लगा और कई जगह वो सही पाए गए और कई जगह वो गलत पाए गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में भी आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना खतरे से खाली नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर सही नहीं होता तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में, हाँ, और गुजरात में शराब बेचने मना है फिर भी शराबी मर जाते हैं, तो वो शराब कौन बिचवा रहा है? कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? और बिहार में भी शराब बंद है फिर भी बिहार में शराब के घोटाले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, कौन है उसका जिम्मेदार? कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? क्या उस पर ईडी
या सरकार की नजर नहीं है। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी जो आज कहना चाहती है कि हम बिल्कुल सही हैं, संजय जी सही हैं, सिसोदिया जी सही हैं, जैन साहब सही हैं, या जो भी व्यक्ति अपने आप को सही कहने की कोशिश कर रहा है संजय जी की गिरफ्तारी के बाद, अगर ऐसा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप छूट के आएंगे। लेकिन जहां तक तानाशाही की बात है, ये बिल्कुल सच है, भारतीय जनता पार्टी में अजीत पवार जैसे लोग या अन्य लोग गए हैं तो उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? आप देखिए मुकुल राय जैसे व्यक्ति पर जांच क्यों नहीं हो रही है? ये एक सोचने वाला विषय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना होगा। राष्ट्रपति आखिर बनाया किस लिए गया है? राष्ट्रपति को ध्यान देना होगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, उसको ज्ञान में लेते हुए इस भ्रष्टाचार के खेल को बंद करना होगा। आज आप देखिए किसी भी शहर में, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, या कोई ऐसी राज्य हो जहां पर सरकारें बनी हुई है, उसमें भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई आप राज्यों के नेताओं से पूछिए, राज्यों के उन व्यक्तियों से पूछिए, वो खुलेआम बताएंगे कि एक पार्षद भी 100-100 करोड़ रुपए गमन करके बैठा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसका जवाब जी कि गोगोई सरकार में हेमंत बिस्व पे शर्मा पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे, साल 2012 में नारायण राणे पर आरोप लगे, मतलब 2011, 12, 2010, 8 ये सब मामले हैं, 10 साल से भी ज्यादा हो गए, कई ऐसी मामले हैं, 8 साल, 10 साल, किसी को 11 साल, ये जांच एजेंसियां बड़ी निष्पक्ष मानी जाती हैं और इनमें जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती है बड़े इंटेलिजेंट माने जाते हैं, ये कोई किसी प्रदेश की या किसी थाने की पुलिस तो होती नहीं है। इन लोगों के द्वारा जो जांच की जा रही है, 10-10, 11-11 साल से जांच नहीं हो पा रही है, ये जा रही है, इन लोगों की पूरी टीमें हैं, अगर इनको जांच में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो 11-11 साल तक लंबी जांच है। मतलब मैं तो बड़ा हैरान रहता हूं और मुझे तो समझ नहीं आता है, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी का अभाव है, हो सकता है पवन जी भी बताएंगे, वो उनसे मैं उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन सी एजेंसियां जो जो देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियां सीबीआई, ईडी 11-11 साल तक जांचे, पुलिस सालों जांच में नहीं करती, निष्पक्ष करती, किसी का हत्या का मामला होता है साल भर के बहुत मैक्सिमम 6 महीने 3 महीने उसके ऊपर सवाल उठने लगते हैं पुलिसिया तंत्र पर। इन्हीं सब बातों को देखते हुए यह बात सही लगती है कि आज नितेश चौरसिया जी या आज हमारे प्रवक्ता अजीत राय जी ये जो बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल फिर सही नजर आती है कि आप 5-10 साल तक किस बात की जांच कर रहे हैं कि इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है और संजय सिंह की तुरंत गिरफ्तारी हो रही है। देखिए ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, इसमें जनता का या विपक्ष का शक करना बिल्कुल जाहिर है और जनता को और विपक्ष को शक भी करना चाहिए कि एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है और 10 साल तक उसकी जांच नहीं हो पा रही है, एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप कर निर्णय तुरंत लेना चाहिए, चाहे वो अजीत पवार के खिलाफ हो, मुकुल राय के खिलाफ हो, नारायण राणे के खिलाफ हो। एक्शन नहीं लेंगे तो फिर विपक्ष तो जरूर चिल्लाएगी और हमलावर होगी, आपको घेरेगा। पवन जी, मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब बहुत सीधे और सरल शब्दों में, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, सच में बता रहा हूं, आपको जानकारी होगी, ऐसी एजेंसियां, टॉप एजेंसियां 11-11, 12-12 साल तक जांच कर रही हैं और उनको कुछ सबूत नहीं मिल पा रहा है, फिर ऐसी एजेंसियों पर जो हम भरोसा करते हैं कि देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियां, स्वतंत्र एजेंसियां, उनको सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, अदालत में सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं, मामले पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, कैसे हो रहा है ये, जरा आप बताइए मुझे। देखिए विपक्षी गठबंधन क्यों बना, पहले तो विपक्षी गठबंधन इसलिए बड़ा, आम आदमी पार्टी नहीं, विपक्ष भी तो आइएगा पवन जी, विपक्ष भी आइएगा, मैं उसमें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बिल्कुल मैं आपको रोक भी नहीं रहा हूँ, विपक्ष भी बिल्कुल आइएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा है, सच में बता रहा हूँ, मैं चर्चा से पहले से आने से पहले ही मैं इस बात को सोच रहा था कि क्या हो रहा है आखिर, उसको मैं समझ कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं शुभेंद्र अधिकारी और अजीत पवार पे ही आता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार पे आरोप लगाती थी ना, शिवसेना, कांग्रेस,
और तीसरी कौन सी पार्टी थी सर? एनसीपी। ये तीनों मिलकर कहते थे नहीं नहीं कट्टर ईमानदार है, सारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सीएम खड़े रहते थे, जांच नहीं होने देते थे क्योंकि मुख्यमंत्री उनके थे। अब जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो फिर उन पर जांच क्यों नहीं है, वो कट्टर बेईमान हो गए। यही हाल शुभेंद्र अधिकारी जब ममता बनर्जी टीएमसी की मुख्यमंत्री थी उनकी पार्टी में थे, और भारतीय जनता पार्टी जब उन पर आरोप लगाती थी तो मुख्यमंत्री जी सीबीआई को बंदी बना लिया करती थी, उनपे इतनी पावर थी और वो मुख्यमंत्री होने के बाद सीबीआई को बंद कर लेती थी। ऐसा देखा होगा ना, वो बात नहीं बताएंगे आप। आपको बात कौन सी बतानी है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाती थी तब पवन जी मेरा सवाल ये था ही नहीं, पवन जी मेरा सवाल ये था, मैंने कहा, कि आपको पूरी स्वच्छता है, पूरा समय मैं आपको दूंगा राजनीति पर टिप्पणी करने का। मेरा सवाल एजेंसी पर था, मैं ये जानना ही नहीं चाहता कि आप आरोप लगा रहे हैं या विपक्ष आरोप, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों, 10-10 11-11 साल तक जांचें हो रही हैं क्यों, एजेंसियां इतनी परिपक्व एजेंसियां हैं उनको सबूत क्यों नहीं मिल रहे। मेरा सवाल ये, मेरा किसी पार्टी से लेना देना है ही नहीं है भगवान जी, मेरा किसी पार्टी से लेना देना है ही नहीं है, ना बीजेपी से, ना आपसे, ना कांग्रेस से। आ रहे हैं अजीत जी, आ रहे हैं नीतीश जी आपके पास भी आ रहे हैं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है कि जनता का टैक्स का पैसा जो जा रहा है, जिनसे उनकी तनख्वाह दी जा रही है, वो जांच के नाम पर इतने लंबे लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, हमारा सवाल इतना सा है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, आप कह रहे हो कि भाई जिन पे विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है तब तो आपको दिक्कत है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए उन पर 10 साल लग गए, 11 साल लग गए, 5 साल लग गए, यही सवाल नहीं आएगा। ठीक है, मैं समझ गया, यही सब मैं जवाब दे तो रहा हूँ, यही तो सवाल है आपका। आपको आप राजनीति अपने हिसाब से तो करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद तो उनपे बड़े लंबे समय तक उत्तर नहीं आएगा, ना उनपे सजा आएगी, ना कोई आरोप। अरे मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह को कल फांसी की सजा हो जाए अगर वो दोषी हो तो, अगर वो दोषी हैं, मैं बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी, मैं कोई पार्टी, किसी पार्टी का नेता थोड़े ना हूँ, मुझे किसी दरवाजे वोट मांगने थोड़े जाना है, वोट आपको मांगने जाना है, नीतीश जी को मांगने जाना है, अजीत जी को मांगने जाना है, मैं तो देश की बात करूंगा, सवाल तो वही पूछ रहे जो विपक्ष पूछ रहा है, सवाल में तो कोई फर्क ही नहीं है, सवाल तो आपका भी वही है जो नीतीश कुमार का है, जो राजनीति विशेषज्ञ का, गलत नहीं गलत सवाल मेरा वो नहीं है, सवाल मेरा नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन सवाल वो नहीं है। नीतीश जी जवाब दीजिए, मैं दे रहा हूँ तो 1 सेकंड और, सिर्फ 10 सेकंड और दीजिए लोगे जी प्लीज, मैं अपनी 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड, हाँ ठीक है, पहुंचे 10 सेकंड, बोलिए प्लीज, डिस्टर्ब नहीं किया, 10 सेकंड में, हाँ बोलिए बोलिए। पहले जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताती थी आम आदमी पार्टी को, वो पूरी की पूरी आप पार्टी कांग्रेस में चली गई तो ठीक, लेकिन जब पहले तक नहीं गई थी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, ये भी तो प्रश्न बनते हैं ना, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न वही पूछे जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी। नहीं नहीं, आपसे लिस्ट अगले बार से, मैं कल से आपसे लिस्ट ले लिया करूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछा करूंगा। नीतीश जी बोलिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता बड़े अच्छी बात करते हैं कि देश को एक अनपढ़ राजा नेतृत्व कर रहा है, और उनकी जो सेना है उसका अभी किस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सवाल में ये डरते हैं, सवाल से डरते हैं। आज संजय सिंह जी क्यों जवाब, क्यों गिरफ्तार करा जाए, सदन में जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी के सामने आके उसके, जिसका एनडीए नेशनल डीलर ऑफ अडानी के खिलाफ बोलता है, उसके सामने बोलता है नरेंद्र मोदी के सामने, जो जीवन में ईमानदार राज्य की सरकार है दे दीजिए जवाब दीजिए, पंजाब में ठेका क्यों है, मैं पूछ लिया, मैंने पूछ लिया, नीतीश जी जवाब दे रहे हैं, नीतीश जी छोटी सी बात बताइए, देखिए अडानी को ठेके, अरे सुन लीजिए मैं आपकी बखलाहट समझ सकता हूँ, क्योंकि आप मोदी जी नहीं आपके पास, मोदी जी हमारे पास नहीं है, तो अलायंस कर लिया, मुझे समझ में आ रहा है, नेशनल डीलर ऑफ अडानी मोदी जी से परेशान होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, नेशनल डीलर ऑफ अडानी की समस्या समझ सकता हूँ, एक बात बताइए, नेशनल डीलर ऑफ अडानी की समस्या समझ सकता हूँ, किसी राजनीति नेशनल डीलर ऑफ अडानी कांग्रेस से नहीं, जिनको चंदा चाहिए, राहुल गांधी जी बेईमान थे, सोनिया गांधी जी बेईमान थी, रॉबर्ट वाड्रा जी बेईमान थे, एनसीपी के सरदार यादव बेईमान थे, मुलायम सिंह यादव बेईमान थे, शरद पवार पारिवारिक थे, लालू प्रसाद यादव बेईमान थे, कुछ बेचने के लिए तैयार बैठे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने उनके साथ एक डील करी हुई है, एनडीए ने सारी राजनीतिक पार्टियां ईमानदार हो गई, ये बात एग्रीमेंट के साथ कर रखा है,
ना कभी किसी को याद करते हैं, ये दोस्ती का साथ दिया जा रहा है और देश की जनता के आंखों में खुशी का नजर। दोनों लोगों को रोके, दोनों लोगों को राइट ऑफ कर दिया आपने। एक सेकंड रुकिए नितेश जी, एक सेकंड रुकिए, नितेश जी एक सेकंड रुकिए, ठीक है एक सेकंड रुकिए, आप भी रुकिए, पवन जी आप भी रुकिए, पवन जी अजीत राज जी का रुख करेंगे। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? योगेश जी आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा था एजेंसियों को लेकर कि इतने लंबे लंबे समय तक जांच क्यों चल रही है। देखिए जो आपके जेहन में सवाल है वो हर इस देश में एक जो आम नागरिक है उसके जेहन में ये सवाल है, और विपक्षी और भाजपा के हमारे साथी चाहे उससे जो है कि नाराज हो जाएं, पर सच्चाई तो ये है, देश देख रहा है कि 10-10 साल से 11-11 साल से ऐसा दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो जो जांच एजेंसियों में अधिकारी बिठाए गए हैं वो निकम्मे और नकारे हैं, या तो वो ऐसे यसमैन बिठाए गए हैं जिनको जब कहा जाता है कि जाओ तो वो जाते हैं, जब कहा जाता है रुक जाओ तो रुक जाते हैं, जब कहा जाता है पीछे मुड़ के वापस ले आओ तो लेके आ जाते हैं। क्यों? दो उदाहरण देख लीजिए, ईडी के एक डायरेक्टर को बीआरएस देकर के यूपी से इन्होंने अपने टिकट पे चुनाव लड़वा दिया, और एक वर्तमान डायरेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट में सारे नियमों को धता बता के बार बार एक्सटेंशन लेने के लिए जा रहे हैं। ऐसा क्या है भाई उसमें, ऐसा कौन सा उसमें कोहिनूर जुड़ा है आपके एक अधिकारी जो उसके एक्सटेंशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आप बार बार जाते हैं एक्सटेंशन लेने के लिए? ये तो देश देख रहा है ना, और देश ये भी देख रहा है। योगेश जी मैं 10 सेकंड और लूंगा, देश ये भी देख रहा है। 10 सेकंड ये पहली बार नहीं हुआ है अजीत जी, अभी जान लीजिए पहली बार नहीं हुआ है। लंबी फेरिस्ट है, अगर देखें कांग्रेस शुरुआत कांग्रेस नहीं की थी, शुरुआत कांग्रेस पहुंच रुके भाई पहुंच रुके, शुरुआत जो है कांग्रेस नहीं की थी, शुरुआत जो है कांग्रेस नहीं की थी, उसका उसके भी अभी लिस्ट दे दूंगा। हाँ बोलिए, देश ने पहली बार देखा है कि कि पहला यूट्यूबर प्रधानमंत्री आया है जो अपने यूट्यूबर पत्रकारों पर सच बोलने के लिए कहता है बेल आइकॉन दबाओ अपना, और सुबह सुबह पुलिस भेज करके पत्रकारों के घर की बेल बजवा देता है और उनको उठवा करके दिन भर। चलिए ठीक है सबको रोकेंगे, अजय तिवारी जी के पास जाएंगे और 10 सेकंड में फाइनल कमेंट, सबको रोकेंगे अब अजय तिवारी जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। यही होता है योगेश जी इस देश के लोकतंत्र में, हर पार्टियां सत्ता में आने के बाद अपने आप को दूध का धुला कहती है। अजीत राय जी की बात से मैं सहमत जरूर हूं, पर अजीत राय जी कांग्रेस पार्टी भूल गई क्या कि अपने जमाने में जब कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी तो कब क्या हुआ करता था, तब कैसे ईडी के लोग वहां लोगों पर छापे मारे करते थे। आज वही काम भाजपा कर रही है और वही काम हमको लगता है अन्य दल भी करने को तैयार हो, लेकिन मैं देश की जनता के लिए कहना चाहता हूं सुधर जाओ नेताओं और अपनी हैसियत को समझो। तुम्हारे जैसे नेता तब पैदा होते हैं जब जनता जागती है और जनता वोट देती है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को निश्चित तौर से सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। निर्दोष हो तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल का हो। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तकरार छिड़ी हुई है, दोनों राजनीतिक दल अपने अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अपने अपने पक्ष में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन अब ये जनता के बीच हाथ में कि आने वाले चुनाव में और आने वाले समय में जनता क्या तय करती है।